ट्रैफिक के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने ऐतिहासिक इमारतें, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थल, पार्क, इन पर रील बनाना प्रतिबंधित कर दिया है। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट में एक युवती के रील बनाने के बाद कलेक्टर ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि कलेक्टर की बिना अनुमति के इन जगहों पर रील, वीडियो, फोटोग्राफी प्रतिबंधित रहेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून 2023 की धारा 163 के तहत ये आदेश जारी किए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर BNS 2023 की धारा 223 और साइबर एक्ट के तहत केस दर्ज होगा। और ये सब हुआ क्यों? एक तरफ वो रील भी आप देख रहे हैं, गाना था टिप टिप बरसा पानी, और अब धड़ाधड़ बरस गया आदेश। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ कह रहा है ये आदेश, विस्तार से बताएं। ग्वालियर में हाल ही में कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर एक युवती के द्वारा रील्स बनाई गई थी। उस रील में बेहद आपत्तिजनक गाना था और उस गाने की बनी हुई रील्स जो है पूरे सोशल प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई थी एक युवती के द्वारा, और वो रील्स पूरे इलाके में, पूरे सहित पूरे मध्य प्रदेश में वायरल हुई थी। और इसी को लेकर कुछ संगठनों ने शिकायत की थी कलेक्ट्रेट में, और उसके बाद कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून 2023 जो नया कानून है उसकी धारा 163 दो के तहत एक आदेश जारी किया है। इसमें एक पक्षीय आदेश जारी करते हुए कलेक्टर ने रील्स बनाने के लिए सार्वजनिक स्थानों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनमें अगर देखें तो ऐतिहासिक इमारतें, चाहे किला हो या दूसरी ऐतिहासिक इमारत, इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थल, पार्कों में रील्स बनाना या वहां की वीडियोग्राफी करना या फोटोग्राफी करना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने, और इन स्थानों पर बिना अनुमति के इस तरह की गतिविधियां करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धारा 223 के तहत केस दर्ज होगा। इसके अलावा साइबर एक्ट में भी केस दर्ज कराया जाएगा। इसकी जो मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी है संबंधित SDM थाना प्रभारियों सहित अन्य जो शासकीय संस्थान है उनको दी गई है कलेक्टर के द्वारा। तो निश्चित तौर पर नए कानून के तहत कलेक्टर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस तरह का आदेश जारी किया है, और संभवतः ये मध्य प्रदेश का पहला ऐसा आदेश होगा किसी कलेक्टर के द्वारा कि जो इस तरह रील्स में आपत्तिजनक कंटेंट बढ़ने के चलते जो है ऐसे सार्वजनिक स्थान या ऐतिहासिक स्थल या जो सरकारी इमारतें हैं उन पर जो है रील्स या फोटो या वीडियोग्राफी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। जिन संस्थानों को बनाना होगी उन्हें विधिवत कलेक्टर से अनुमति इसके लिए लेनी होगी। हालांकि इसमें मीडिया को छूट रखी गई है। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।